मैं पवन जी को जानती हूँ काम नहीं किया है वैसे हाँ। सुना है तो। अब पवन जी बुढ़ा गए चाहे और भी कलाकार बुढ़ा गए तो जे भाई अभी बचा बा में से ठीक बिकनी में मैंने काफी शूट्स किए हुए हैं तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है कि इंडिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हाँ। 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 अब धोती कुर्ता पहनाई उनका के अब स्विमिंग पूल में आदमी जाएगा बॉलीवुड और भोजपुरी में अंतर क्या रहा बहुत अंतर है अच्छा क्या भोजपुरी बोल पाती है कि नहीं 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 बोल पाती <laughs> नहीं। है तो फिर भोजपुरी नहीं फिर बोल पाती है तो समझ आती है समझ आता है अरे अब फायदा ली बच्चा तो सोहरे नहीं, होई सोहरे सुना मतलब बेली डांस सुने उनका के कहा कैसन बानी कैसन बानी जल्दी सीख अभी हमारे साथ बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका नाम भावना सिंह है जो बादशाह जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुकी है और ये पहली बार बॉलीवुड से भोजपुरी में आई है बिहार में आई है पटना में आई है बाकी हम इन्हीं से बात करेंगे ये बताइए कि ऐसा क्या होता है कि बॉलीवुड से भोजपुरी में आ जाती है देखिए मुझे मौका मिला और हाँ। मुझे आना भी था मेरा ड्रीम था कि मैं भोजपुरी सॉन्ग भी करूँ तो अच्छा, मुझे सपना था कि भोजपुरी सॉन्ग जी, जी बिल्कुल हाँ। अच्छा भोजपुरी में मैंने ये भी सुना है कि अब पहला गाने का शुरुआत बिकनी पहन के कर रही है हाँ जी तो फिर क्यों तो फिर भोजपुरी और बॉलीवुड में क्या अंतर आ नहीं वो एक थीम है हाँ। पूरा गाना बिकनी में नहीं है एक्चुअली हाँ। थोड़ा सा थीम है लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है ना क्योंकि इससे पहले हम लोग भोजपुरी में बिकनी पहन के किसी को डांस करते हुए नहीं देख रहे थे और यही कारण है कि दीपिका पादुकोण एक गाने में बिकनी पहन लेती है तो पूरा देश भर में उसका विरोध होता है और आप भोजपुरी में अब उसको ला रही है नहीं वो मेरा गाना पहले आ चुका है पहले शूट हुआ है लेकिन रिलीज नहीं हुआ वो हाँ, अलग बात लेकिन है। लेकिन अगर आपके माँ और पिताजी देखते होंगे बेटी को बिकनी में पहनकर डांस करते हुए कितना बुरा उनको लगता नहीं उनको कोई बुरा नहीं लगता मेरे घर में सब ओपन माइंडेड है हाँ, और मैं पहले से शूट कर रही हूँ की कहीं ना कहीं अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए लेकिन बिकनी भारत भारत का का में पहन के डांस करना कहाँ तक सही है बिकनी में मैंने काफी शूट किए हुए हैं तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है की इंडिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अच्छा गोलू जी ये बताइए भोजपुरी के आप से पहला कलाकार है किसी एक्ट्रेस को बॉलीवुड से ला रहे हैं और बिकनी में डांस करा रहे हैं देखिए ऐसी बात है ना बिकनी फुल हम लोग थीम नहीं रखे हैं बस एक छोटा सा आपने मूवी देखा होगा रामलीला बस उसका थीम हल्का सा मैंने मतलब हम लोग देख रहे थे ऐसे मूवी हम पसंद आया तो उस चीज को हम लोग करना चाहे हाँ, मानते हैं कि आप किसी बॉलीवुड के एक्ट्रेस को भोजपुरी में ला रहे हैं बहुत अच्छा बात है लेकिन बिकनी पहन के डांस क्यों आग, करवा आग, आग रहे बिकनी पहन के बिकनी का बिकनी का है अब धोती कुर्ता पहनाई उनका के अब स्विमिंग पूल में आदमी जाएगा। बॉलीवुड और भोजपुरी में अंतर क्या रहा बहुत जाएगा? अंतर है कैसे अंतर है जो, जो चीज हम पहले भोजपुरी में अच्छा ड्रेस लोग सिलेक्ट कर रहे थे भोश्पु... अब आज हाँ। भी भोजपुरी में क्या अच्छा है क्या अच्छा, अच्छा नहीं है। का कर सब क्या करत रहा सब भोजपुरी में तो आप आपने बोला कि भोजपुरी में तो भोजपुरी में मैंने असली गाना नहीं गाया है हाँ। भोजपुरी में सिर्फ एक पार्ट है जिसमें वो दिखाया गया है अच्छा और स्विमिंग पूल में अब जी में गंगा जी में जेब गंगा जी में नहाए तो कुछ तो गंगा जी में नहाना अलग बात है और लोगों को दिखाना अलग बात है अच्छा गंगा गंगा जी में जब गाना ये रिलीज होगा तो भोजपुरी में एकदम विवाद मच जाएगा इंट्रो है अब लड़की नहा के नहा कर निकलेगी तो क्या अंदर से एकदम कपड़ा में कुल्ले पहन कोट पैंट पहन ले निकली बाहर आएगी आप रूम में ये अपने कि जो भी भोजपुरी हो या फिर बॉलीवुड हो मतलब है तो एक इंडिया है इंडिया के लोग क्या बिकनी में किसी को नहीं देखते वो ऐसी कोई मूवी नहीं देखते हैं क्या तो मुझे आप मुझे ये बता दीजिए आप आप में और दीपिका पादुकोण में क्या अंतर हो जाएगा नहीं मुझ में और उनमें तो बहुत अंतर है उनको लेकर क्या सोचती है अभी आपने देखा होगा एक गाना आया था बेसर्म्रा वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जिनका विरोध किया जा रहा है जी अच्छा भोजपुरी में किन किन कलाकारों को आप जानती है मैं पवन जी को जानती हूँ काम नहीं किया है वैसे आ, सुना है जिनके बारे में सारी जी जी को को भी जानती हूं, आ, और गोलू सबसे अच्छा आपको कौन लगता है किनका गाना आपको सबसे अच्छा लगता है देखिए गाना तो मैंने इतना नहीं सुना है क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगी वैसे मेरा मन था की हाँ मैं कभी करूँ भोजपुरी सॉन्ग अच्छा लेकिन अभी पर्सनली तो मैं सिर्फ गोलू जी को जानती हूँ इन्ही के साथ मैंने काम किया है अच्छा गोलू जी हम चाहेंगे की अब तक का सबसे जो आपका पसंदीदा गाना होगा वो गाना एक हो जाए मेरा पसंदीदा तो मेरा एक ही गाना है जिसको मैंने मतलब बहुत अच्छा दर्शक लोग से प्यार मिला है hmm. जिक्र तेरा मेरे लब पे होने लगा है दिल्ली मेरा तुझ में ही खोने लगा है वाह तू जब से मिल लू सारा रमान पूरत अब से भी ज्यादा हर आप बहुत बढ़िया अच्छा ये बताइए भावना जी अब पहली बार भोजपुरी में आई है भोजपुरी में देखा जाए तो बहुत सारे सुपरस्टार हैं सबसे अच्छा आपको कौन लगते हैं <laughs> मैंने देखी अभी तक किसी के साथ काम नहीं किया है हाँ। और मैं मुझे इतना अच्छा, जानती भी नहीं आ, हमेशा से लोग कहते हैं कि भोजपुरी के दो बड़े स्टार हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव उनको जानती है कि नहीं यहाँ पर हाँ मैं जानती हूँ हाँ, तो उन लोगों में कौन आपको ज्यादा अच्छा लगते हैं मुझे तो लाइक मैं पर्सनली उनको नहीं जानती हूँ अभी तक मैंने सिर्फ गोलू जी के साथ काम किया है तो बाकी कलाकारों को पर्सनली नहीं जानती है अगर उनके उनके साथ आपको आपको मौका तो हाँ, काम करें। तब मैं बारे में बता सकती हूँ फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं उनके बारे में हाँ। उनके अच्छा, अच्छा गोलू जी एक अभी विवाद चल रहा है जब से खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू में बोलते हैं की पवन सिंह अंकल जैसा दिखते हैं गाने में और इसके बाद पवन सिंह भी फिर स्टेज पे आते हैं और वो भी जवाब देते हैं सीधा बात बोलता हूँ मैं ठीक है हमने की उम्र हो गई है तो पवन जी गलत थोड़ी बोले हैं कि रोज सौरी घर से अभी निकलवे कोई नहीं है हाँ। पवन जी क्या गलत बोले है हाँ। मैं तो पवन सिंह के तरफ हूँ जवन सिंह गलत नहीं बोले हैं एकदम नहीं बोले हैं ओपनली हाँ। मैं खुल के बोल रहा हूँ पवन सिंह अच्छा अब यादव का ये कहना है के कि के वो नहीं जो, जो बात को बोल रहे हैं इंटरटेनमेंट के तौर पर इंटरटेनमेंट क्यों अब हर चीज को मीडिया में मतलब लाइव मीडिया में आप बोले गए इंटरटेनमेंट हो गया क्या बात है भाई सोचना चाहिए यहाँ है भगवान ने आपको दिमाग दिया है कॉमन सेंस दिया है उसको यूज करो आप अब लाइव मीडिया में लाइव हो रहा है इंडिया 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 न्यूज का लाइव था उसमें आप ओपनली बोल रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े भैया

खेसारी कर सकते हैं तो पवन सिंह क्यों नहीं कर सकते आज मेरे साथ अगर मेरे साथ भी किया है लोगों ने तो मैं खुल के बोलता हूं डंके की चोट पे गोलराज केहू से डरे ला ना खुल के डंका के चोट पे अभी कुछ दिन पहले हमारे विवाद हो पूनम दुबे के साथ लेके बहुत मैटर हो रहा है मैं खुल के बोला हाँ भाई जिसको दम है मैं मूडी इंसान हूँ जिसको पसंद कर गया उसको न चाहूंगा तो ना चाहूंगा नहीं तो जा तो जा लेकिन आखिरकार आप लोग इतना विवाद क्यों करते हैं विवाद हम लोग नहीं करते सीधा बात मैं बोल रहा हूँ आपको तालाब बहुत बड़ा होता है उसमें एक मछली जो आके गंदा करके पूरा तालाब का पानी खराब करती है ना वो मछली अब कौन है आप समझ लीजिए कौन है वो मछली नाम लेना उचित नहीं है हाँ। कब कब बाद में बताइम नाम हाँ। अच्छा ये मैं ये, हाँ। ये भी बोलूंगा कि लाइव में चाहे कोई भी वो मीडिया हो मीडिया कॉन्फ्रेंस लाइव हो अब उस समय लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था मैंने भी उस चीज को देखा है और तब मैं पवन जी का अगर पवन जी गलत रहते हैं तो मैं उनको गलत बोलता हूँ जब खेसारी गलत है तो मैं खेसारी को बोलता हूं। उन्होंने लाइव में आके ओपनली बोला खेसारी ने कि अब पवन जी बुरा गए ले कलाकार बुढ़ा गए तो जे भाई अभी बचा बा जे सापेट में से वो ठीक बा उनके लिए एक बाहर सुना दीजिए सही है शोहर तो अगर अब पैदा लिए बचा तो शोहरे नोहर मतलब बेली डांस सुना उनका के

अच्छा एक और गाना सुना दीजिए नाचता वही से नया बारु जही से लगता कि नहीं खुले ले सटा के पैसे को रख ख्याल तनी अपना हो एज प और सब त भरल स्टेज प जगह नहीं खेत नाची का करेज प वाह क्या बात है तो अगर देखा जाए साउथ में तो वहाँ पर ड्रेस वगैरह बढ़िया बढ़िया चूज किया जाता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ हाँ। भी हॉट ड्रेसेस पहनती हैं कहा आइटम सॉन्ट मिलता हैूट तो वगैरा काफी किए हुए मैंने तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे घर में भी कोई सब ओपन माइंडेड है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बिकनी कौन नहीं पहनता है अगर आपको पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो आप करेगा की नहीं जी बिल्कुल करूंगी मेरा तो काम है तो मैं काम करूंगी सब अच्छा गोलूराज जी अंत में जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे हम का कह बस हम आशीर्वाद हमारे पूरा भोजपुरी समाज से कामना है बिल्कुल और गाना बहुत अच्छा है सबको सुने आप लोग भी सुने खूब प्यारा आशीर्वाद दे बस यही कहो चलिए आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बाकी हमारे साथ ये भावना सिंह है गोलू राज है जो भोजपुरी में पहली बार बॉलीवुड के एक्ट्रेस को लेकर आए हैं काम कराने के लिए कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दे आप हमारे साथ बने रहें